रोहित शर्मा बनेंगे टीम इंडिया के अगले कप्तान। टी20 विश्व कप 2021 के बाद टीम इंडिया का अगला मिशन न्यूजीलैंड सीरीज होगी। विश्व कप अभी चल रहा है लेकिन भारत के लिए ये खत्म हो गया है। अब टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के साथ भिड़ना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप टी20 वर्ल्ड कप 2021 को माई 11 सर्कल पर खेल सकते हैं, क्योंकि इस ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपये का बोनस और 20% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। और साथ ही साथ यहां पर सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे, राशिद खान जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं। और अगर भारत जीत जाता है तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 2 गुना कैश। काफ़ी सारे लोग यहां से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। भारत और न्यूजीलैंड के 3 T20 मैच और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जानी है। इसका पहला मैच 17 नवंबर को जयपुर में खेला जाएगा। माना जा रहा है कि जल्द ही इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत के कई सीनियर खिलाड़ी आराम कर सकते हैं, जिसमें विराट कोहली का भी नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि BCCI की चयन समिति 8 नवंबर की रात तक या फिर 9 नवंबर को तीन में किसी भी वक्त टीम का ऐलान कर देगी। साथ ही भारत के नए T20 कप्तान का नाम भी सामने आ जाएगा। टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ी पिछले करीब 6 महीने से देश के बाहर है और कोरोना वायरस के चलते बायो बबल में ही रह रहे हैं। भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड गई थी। इसके बाद इंग्लैंड के साथ ही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई। इसके बाद सभी भारतीय खिलाड़ी सीधे UAE आ गए और करीब 1 महीने तक IPL के दूसरे फेज में हिस्सा लिया। इसके तुरंत बाद T20 विश्व कप शुरू हो गया। लगातार बायो बबल में रहने से खिलाड़ी परेशान भी हो रहे हैं। पिछले दिनों इसको लेकर सवाल भी उठे थे। वहीं भारतीय खिलाड़ी थके हुए भी नजर आए, लेकिन अब उन्हें आराम दिए जाने की बारी है। विराट कोहली के अलावा KL राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो आराम कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय टीम में कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है। टीम इंडिया में उन खिलाड़ियों के खेलने की संभावना ज़्यादा है जिन्होंने IPL 2021 की दूसरे फेज में शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें देवदत्त, ऋतुराज और अय्यर का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा रहा है। वहीं गेंदबाजों में हर्षल पटेल, आवेश खान, चेतन सकारिया को भी टीम में जगह मिल सकती है। वहीं विश्व कप के लिए टीम में नहीं चुने गए युजवेंद्र चहल को भी टीम में मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही उन खिलाड़ियों की भी किस्मत चमक सकती है जिसके बारे में माना जा रहा है कि उनका करियर अब खत्म हो गया है। उनके पास एक और मौका होगा कि वे टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन कर अपनी संभावनाओं को आगे भी जीवित रखें। देखना होगा कि BCCI इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला करती है। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में माई 11 सर्कल को डाउनलोड करना ना भूलें। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।